नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का वेदमी यूट्यूब चैनल पे। किसी शायर ने एक बहुत ही खूबसूरत सी बात बोली है कि उसूलों पे जो आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो गर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जी हाँ, आखिर में कुछ ऐसे वीडियोस मार्केट में अवेलेबल है और खासकर ट्रेंडिंग भी हो रहे, और मेरे पास कुछ लोगों के क्वेरीज आए थे और इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा। और याद रहे कि ये वीडियो किसी भी पर्सन को आहत करने के लिए या किसी भी पर्सन के सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको एक जेन्युइन ओपिनियन देने के लिए है। कि एक दो वीडियोस अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने अपलोड किए कि सीएसआईआर पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है और इससे काफ़ी बच्चे जो है परेशान हो गए। और एक्चुअली यूट्यूब में कुछ इस तरीके के मार्केट का जो है वो काफ़ी जमावड़ा है, जिसको बोलते हैं क्लिक एंड बेट का जमावड़ा। मतलब कि थंबनेल या टाइटल को कुछ ऐसे सेट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको देखें, भले उस टाइटल के अंदर वैसा कंटेंट ना हो, जिसको कि कभी कभी काफी मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट में इस क्लिक एंड बेट का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे एजुकेटर्स यूट्यूब पे व्यूज पाने के लिए ये करते हैं। और क्लिक एंड बेट का बेसिक मतलब ये होता है कि थंबनेल इतना भड़काऊ बना देते हैं, जैसे कि जो न्यूज मीडिया एजेंसीज होती है वो अक्सर किया करती है, वो चीज अब YouTube पे एजुकेटर्स भी करते हैं, जो थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन सवाल इस पे आता है कि क्या सच में CSR का पैटर्न चेंज हुआ है? कुछ वीडियोस देखने के बाद कुछ बच्चे अब इससे जो है घबरा गए, और मैं इसलिए कह रहा था कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे मिसगाइड होते या मिसलीड होते और उनका करियर जो है उससे खराब हो सकता है। खराब होने का मतलब वो अभी आप लास्ट एग्जामिनेशन कुछ दिनों बाद है, और यहाँ पे अगर आप कहीं पे किसी भी तरीके का कोई भी पर्सन अगर उन्हें मिसलीड करे तो उनकी पूरी 6 महीने की मेहनत भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत भोले होते, उन्हें समझ में नहीं आता कि अपना सेंस क्या यूज करना है क्या नहीं करना, उन्हें खुद पे इतना भरोसा नहीं होता, किसी ने कुछ कह दिया तो वो आंख मूंद के फॉलो कर लेते और फॉलो करते। अब इस टाइम पे इसी टॉपिक पे रिलेटेड बात करेंगे कि क्यों ऐसा लोग आंख मूंद के फॉलो कर रहे हैं। सो क्या सच में CSR का पैटर्न चेंज हुआ है, और अगर हाँ तो क्या चेंज है और क्या नहीं है, इस पे भी बात करेंगे। तो मेरा ओपिनियन क्या है इस टेक पे, कि मैं क्या कहता हूँ। पहली बात तो देखो, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को ये इस स्टेज पे है, जो दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें इस पे सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चेंज हो या ना हो, अब आपके पास इतना समय बचा ही नहीं है कि उसके लिए कुछ कर पाओ। ठीक है, पहली बात तो ये, जो दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस वन। ठीक है, इस पे सोचना ही नहीं है, क्योंकि अब समय ही नहीं बचा कि आप कुछ भी चेंज करोगे अपनी स्ट्रेटेजी में। आप जो है जून या जुलाई से इवन कई जो है 6 महीने और हो सकता है साल भर से तैयारी कर रहे हो, तो अब क्या 10 दिनों में बहुत कुछ बदल दोगे? शायद पॉसिबल नहीं है कि 10 दिनों में चीजें बदल पाओ। जो यूनिट नहीं पढ़ी वो पढ़ पाओ, जो पढ़ लिया उसको बदल पाओ, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है 10 दिनों में। इसीलिए आप इस टॉपिक से तो एकदम हट के रहिएगा। ठीक है, अब बात आते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में कि पैटर्न चेंज हो गया है क्या। तो मेरा जवाब है स्लाइटली, नॉट कंप्लीटली, और शायद ना के बराबर चेंज हुआ है। मैं ये बोलूंगा पैटर्न नहीं चेंज हुआ, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में या कई सारे वीडियोस में लोग कैसे जो है स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर देते हैं। मैं, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखने के बाद लगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ, मे बी वो जो है ये जो है मेरे को बोले कि नहीं आपने जो है ऐसा बोला है कि ये वीडियो जो है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है या पैटर्न तो चेंज हुआ है, कई लोगों ने प्रूफ किया वीडियो में। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस कुछ ऐसे लोगों ने बोला कि ये ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ये पहली बार हम बता रहे, तो सिर्फ न जाने हम इसी YouTube चैनल पे जो है रवीना मैम ने पहले ही CSIR की स्ट्रेटेजिक वीडियो ले आई है, जिसमें टॉपिक वाइज हमने बहुत सालों के एनालिसिस को भी शो किया था। बट एनालिसिस और प्रिडिक्शन इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, एनालिसिस तो लोग ऐसे भी करते थे कि जब लास्ट टाइम 2015 में इंडिया के लिए कई सारे पंडितों को बुलाया गया था और ज्योतिष को बुलाया गया था, सबने बोला था इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। इस बार भी बोला था, कई सारे पंडित बोलते हैं कि ग्रह नक्षत्र इतने बढ़िया है कि वर्ल्ड कप तो इस बार 2023 में आएगा ही आएगा इंडिया में, लेकिन इंडिया फाइनल नहीं जीत पाया। ठीक है, तो प्रेडिक्शंस करना अच्छी बात है, लेकिन उस प्रेडिक्शन से कंप्लीटली रिलाई हो जाना, उस प्रेडिक्शन से किसी का नुकसान ना हो, यह भी ध्यान होना होता है। आजकल ट्रेडिंग जैसा सिस्टम लोगों ने स्टडी पे भी ला दिया है। अब जैसे ये कुछ यूनिट वाइज एनालिसिस आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का पैटर्न, कि अब एक जो है एजुकेटर थे जो एक वीडियो में बता रहे थे कि इस तरीके की एनालिसिस की गई, और उसमें जो मोस्ट लास्ट 10 ईयर्स के फ्रिक्वेंट टॉपिक्स में से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं आपके बेसिक जो है, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि 3, 6 और 13, ये 3 ऐसे यूनिट्स हैं जिनका वेटेज काफी ज्यादा शो किया गया, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में इनके नंबर ऑफ एवरेज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे।
उसके बाद दो तीन यूनिट्स को थोड़ा सा बिलो एवरेज, जैसे 8-7 और A1 को शो किया गया। इसके बाद कुछ ऐसे यूनिट्स थे जो कि थोड़े से एवरेज या अबव एवरेज आप शो कर सकते हैं, और कुछ को बिलो एवरेज रखा गया, ठीक है, मतलब जो कि आप टारगेट ना करें, ठीक है। अब इस पूरे केस में ये लास्ट 10 ईयर की एनालिसिस है, और ये लास्ट 10 ईयर नहीं, उससे पहले भी एनालिसिस करोगे तो लगभग ऐसा ही कुछ मिलेगा। अब इन एनालिसिस के बाद ये बोला गया कि शिफ्ट 1 के हिसाब से इस यूनिट को टारगेट करना है, जैसे वेटेज जो है वो 1 का ज्यादा है, 8 का ज्यादा है, 7 का ज्यादा है, 12 का ज्यादा है, मतलब शिफ्ट वाइज यूनिट का वेटेज ज्यादा है 1, 8, 7, 12 का, और शिफ्ट 2 के हिसाब से 13, 10, 4 और 11 and 2 का ज्यादा है। अब बच्चा जो है अगर जो शिफ्ट 1 में जिसका एग्जाम होगा, पहली बात तो अभी तो एडमिट कार्ड आया नहीं, वो कितना इनसिक्योर होगा, अगर उसने इन यूनिट्स को पढ़ा होगा और उसका एग्जाम शिफ्ट 2 में होगा तो वो मेंटली कितना डिस्टर्बिंग हो जाएगा उसके लिए कि अरे यार मैंने ये पढ़ा और ये शिफ्ट में मेरा एग्जाम हुआ, और अगर शिफ्ट 2 में हुआ तो शिफ्ट 1 में होगा। पहली बात तो ये जो है काफी इलॉजिकल है, क्योंकि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पैटर्न को प्रेडिक्ट करना बड़ा अजीबोगरीब था। दो यहां पे मिसकंसेप्शंस में बताता हूं। पहली चीज तो ये कि हां ये फ्रीक्वेंट टॉपिक्स जो है वो इस तरीके से हो सकते, लेकिन आजकल जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनमें से कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मिक्स्ड और हाइब्रिड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिसमें एक कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं, जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट या 2-3 टॉपिक्स या इवन 2-3 यूनिट के कॉन्सेप्ट्स जो है मर्ज होते हैं। अब यूनिट 4 में इम्यूनो में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग और हाइब्रिडाइजेशन को पूछा जाता है, फ्लो साइटोमेट्री तक पूछा जाता है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को कोई उसको यूनिट 13 में रखेगा तो कोई उसको यूनिट 4 में रखेगा, जो एजुकेटर जिस हिसाब से जो टॉपिक जैसा पढ़ाता है वो अक्सर उसी टॉपिक को उसी तरीके से रखता है, लेकिन अब किस यूनिट को किस में आप रखें ये रखना बड़ा मुश्किल सा सवाल हो जाता है। तो ये जो डेटा है इसको आप थोड़ा सा एक कह सकते हैं पर्सनल ओपिनियन जैसा भी डेटा होता है, थोड़ा बहुत जो है वेरी इसमें कर सकता है। और यस, आपने ये पहले भी आपको पता है कि यूनिट 3 का वेटेज बहुत होता है, 13 का तो आप हमेशा से जानते हैं वेटेज होता है, 6 भी आप जान ही रहे कि वेटेज होता है, तो लास्ट 10 ईयर में कुछ ऐसा नया तो इसमें आया नहीं, ठीक है, तो अब ये चीज हो जाती है। इसके अलावा जो है 8 यूनिट का वेटेज तो चल ही रहा है, 7 यूनिट भी बैलेंस्ड आता है, साथ में यूनिट 1, यूनिट 10 और यूनिट 4 और 5, ये सभी यूनिट जो है अच्छे यूनिट्स ही हैं अगर आप ध्यान दे तो। इसके अलावा जो यूनिट 12 है, आपको पता है कि वैसे ही इसमें क्वेश्चन कम आते क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा CSIR इसको कम तवज्जो देता है, और ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्रोबैक्टीरियम और ट्रांसजेनिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आते इसमें से भी 9 से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉम्पेटिवली इनसे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कम होता है, और वही हाल आप देख रहे हैं। तो कुछ ऐसा नया नहीं है, ये आप पहले से ही जानते हैं, और नहीं जानते तो आप मेरे वीडियो उठा के देख लीजिए जाके 1-2 साल पहले का भी, ये यूनिट्स आप सभी लोग बोलता है ये इंपॉर्टेंट है, आप 9 स्किप करो, 12 स्किप करो, ऐसी चीजें तो बोलता है क्योंकि 9 थोड़ा कम आता है, 12 थोड़ा कम आता है, इसमें नया क्या है? तो ये जो है नया पैटर्न चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत, तो नया पैटर्न चेंज का तवज्जो तो है नहीं, पहली चीज। ये सभी लोग, आप भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप खुद कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आपको जब तैयारी करना शुरू कर रहे थे या कर रहे हो तो क्या ये आपको आइडिया नहीं था कि इस क्वेश्चंस जो है इन यूनिट्स का वेटेज ज्यादा है, चाहे आप कभी से आप पढ़ रहे हो, इवन कोई एजुकेटर अगर देख रहा है तो वो भी ये जानता है कि इनका कम है। तो इससे आप 10 ईयर का एनालिसिस करो चाहे पिछले 20 ईयर का एनालिसिस करो, लेकिन लगभग ऐसा ही आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो पहला ये कि नथिंग न्यू इन दिस पैटर्न, क्वेश्चन का तरीका बदला है पूछने का, पैटर्न नहीं बदला है। मैं अगेन ये बोलता हूं कि क्वेश्चन के जो तरीके हैं वो उसमें थोड़ा मॉडिफाई हुआ, तो बच्चों को इस तरीके से मिसगाइड करना या मिसलीड करना कि क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज हो गया है, ये बच्चा हताश हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और मैं अगेन ये बोल रहा हूं कि ये वीडियो मैं किसी को टारगेट करके नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं ताकि वो मिसगाइड या मिसलीड ना हो सके, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है ऐसे वीडियो देखने के बाद मिसलीड या मिसगाइड होंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत आई ओपनिंग वीडियो है, इससे पहले तो मैंने कभी ऐसा सुना ही नहीं था, कहीं ऐसा देखा ही नहीं, ये पहली बार मैं देख रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग भी ये देख रहा होगा उसे पता है, ठीक है, एक एजुकेटर नॉर्मल जो अगर ढंग से पढ़ाता है उसे भी ये पता है कि ऐसे कौन सी यूनिट क्या है कैसा नहीं है। और उसके बाद एक तो ये चीज है कि नथिंग मच न्यू इन दिस पैटर्न, दूसरा कि ये जो पैटर्न है, अब ये जो मोर और लेस करके बताया गया कि शिफ्ट 1 में इन यूनिट्स का वेटेज ज्यादा है, इसमें तो मेरे को ब्लंडर लगा। ब्लंडर क्यों, जरा समझिए कि यूनिट जब आप बात करते हैं 1, 8, 7 and 12 का, आप इसमें जरा 12 यूनिट को देखिए, 12 यूनिट का जो हाईएस्ट नंबर आया है अगर इसी क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 7 आया है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर। अब उसके अलावा अगर आप देखें यूनिट नंबर 13 का, यूनिट नंबर 13 के जो एवरेज है या एक बार मिनिमम 6 आया है, आप देख रहे हैं मिनिमम 6 आया है यूनिट 13,
और हाईएस्ट आया है 7, और इसका एवरेज जब देख रहे हो 13 का तो 11.2 है और 12 का 5.4 है एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो आप ये जो बच्चा पढ़ेगा वो कहेगा यूनिट 12 इज मोर इंपॉर्टेंट देन 13, वो फोकस शिफ्ट वन वाला बच्चा, ऑल्दो अभी तो ये पता ही नहीं चलेगा शिफ्ट वन का है कि टू का है, लेकिन अगर उसका 4-5 दिन 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आया उसे लगा, तो वो अगर इससे मिसगाइड होने लगा शिफ्ट वन पे, शिफ्ट वन में 12 भले ही आप 12 का वेटेज आप शो कर रहे हो लेकिन 12 अभी भी 13 से कम ही है। आप कॉम्पिटेटिव वेटेज देखते हो ना, इंडिविजुअल यूनिट वाइज थोड़ी वेटेज देखते हो, आप ये देखते हो कि पूरा वेटेज, क्योंकि पेपर तो सभी यूनिट के क्वेश्चन से बन रहे हैं। अगेन कॉम्पिटेटिव वेटेज देखोगे तो अभी भी इसमें कई ऐसे यूनिट है जो इससे ज्यादा है। आप देखोगे तो यूनिट 4 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, आप यूनिट 12 को ज्यादा वेटेज दे दे रहे हो, यूनिट 3 और 6 के इतने इतने क्वेश्चन आए हुए। तो ये जो वेटेज है ये वेटेज एक बड़ा ही इलॉजिकल सा वेटेज है। मतलब आप इस तरीके से बच्चा कहेगा कि नहीं मुझे 2 नहीं पढ़ना 3 नहीं पढ़ना, आप देखो 3 ज्यादा है, 6 और इवन 3 का 6 का इवन 8 का 7 का इन सबके क्वेश्चन जो है 12 से ज्यादा ही, ठीक है। अब बच्चा जो है कहेगा नहीं 12 पे ज्यादा फोकस करते, 3 वाले को छोड़ देते, 6 वाले को छोड़ देते, 13 वाले को छोड़ देते। अब शिफ्ट वन वाला अगर ऐसे यूनिट पढ़ने लगे ज्यादा फोकस करे इनको छोड़ के तो बेवकूफी ही तो है, क्योंकि 12 का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इनके मिनिमम नंबर के बराबर है। तो इसलिए इस लॉजिक पे तो कत्ता ही नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिसलीडिंग मुझे लगा। और इसीलिए बच्चे जब बोले और मुझे कई लोगों ने रेफर किया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जो है इस पे वीडियो बना के सभी को जो है हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि एक दो बच्चों के लिए मैं उनके टाइप करूँ या उनको वीडियो बनाना ही था तो मैंने ये बता दिया। और सेम कॉन्सेप्ट यही पे है स्विफ्ट 2 के लिए। अब स्विफ्ट 2 वाला 13, 10, 4, 11, 2 ये जो है कंडीशन, अब इसमें 1, 3 को स्किप कर दिया, 8 को स्किप कर दिया। अरे फिर वही बात है कि आप जो है इन यूनिट्स का वेटेज बाकी के कंपैरिजन से देखो ना, आप दोनों शिफ्ट का एक दूसरे से कंपेयर करोगे तब तो फिर ऐसे ही होगा, इसमें इनका वेटेज ज्यादा है इनका वेटेज कम है। अब वेटेज में 1 या 2 क्वेश्चन का फर्क होता है, 10 या 12 क्वेश्चन का फर्क नहीं होता। ये बहुत ही जो है अजीबोगरीब स्टेटमेंट होता है। याद रहे कि पार्ट सी में जनरली पर यूनिट जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 6 के आसपास, 5 से 6, और किसी यूनिट से क्वेश्चन जो है वो 8 से 10 आ जाएंगे और किसी से जो है 2 क्वेश्चन कम आ जाएगा। तो वो वही चीज तो आप देख रहे हैं, ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए पार्ट बी और पार्ट सी को मिला के, तो कई बार जो है इस तरीके का बैलेंस आपको देखने को मिलता है। अब जैसे कोई एग्रो बैक्टीरियम को यूनिट नंबर 13 में भी काउंट करेगा और कोई इसको 12 में काउंट करेगा, कोई ट्रांसजेनिक्स को 12 में काउंट करेगा तो कोई 13 में करेगा, कोई जो है सीआरई लॉक्सपी को 13 में पढ़ाता है तो कोई 12 में पढ़ाता है। अब इसीलिए जो है कई टॉपिक्स को हाइब्रिड किसमें कौन काउंट किया गया है ये भी बड़ा मसला है, ठीक है। तो द गोल या द अल्टीमेट पर्पज ऑफ दिस सेशन, इस पूरे सेशन का जो अल्टीमेट पर्पज यही है कि याद रहे कि जो मुद्दा है सीएसआईआर का पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है उसका, तो पहला मेरा जो आंसर है कि सीएसआईआर का पैटर्न नहीं कंप्लीटली चेंज हुआ है। क्वेश्चन का मैंने वेटेज भी आपको दिखा के बताया कि वही यूनिट जो पहले आती थी अभी भी उन्हीं यूनिट का वेटेज लगभग वैसा ही है, लेकिन जो तरीका है थोड़ा क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन का वो थोड़ा और अच्छा याद होना चाहिए, वो ध्यान रखे रहिए। दूसरा, इस तरीके के वीडियो से मिसलीड मत होइएगा इस टाइम पे, जो लोग दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं कोई फायदा नहीं है इस तरीके की चीजों से पढ़ने का। और शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 का डिसीजन जो है वो आपके 1 या 2 दिन पहले होता है, तो उसकी तैयारी आप कैसे 6 महीने पहले कर लोगे। अगर ये कंक्लूजन में मान लेता हूं कि 2% भी सही है, लेकिन उस कंक्लूजन में गलती क्या थी मैंने आपको बताया, और प्रिडिक्शंस हमेशा सही नहीं होते इसीलिए हम उसको फुल प्रूफ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस वक्त आप खुद पे भरोसा रखिए, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर मैं एक लाइन कहता हूं कि ढूंढ लेते हैं मंजिल अंधेरों में भी, जुगनुओं को किसी इशारे की जरूरत नहीं होती। ढूंढ लेते हैं मंजिल अंधेरों में भी, जुगनुओं को किसी इशारे की जरूरत नहीं होती, जिन्हें भरोसा होता है खुद पर, जिन्हें भरोसा होता है खुद पर उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।